झूठ कपट छल तगा बेईमानी खास करया चाहूं छु मेरा तारा चम छाती में खटका मैं उसका नाश करया चाहूं छु और जाके तारा चंद से मिला हरिराम ने बोला भाई हमने यह दुनिया सेठ क्यों कहती है ने बोला क्योंकि हमारे पास पैसा और ने बोला पीछे ना गौशाला धर्मशाला पाठशाला पानी की डाल बाण लाग रहा न्यू तो भरिया कुआ भी रहती जा और यो पीछा नहीं रहेगा ना फिर तो ना कोई पूजनिया नहीं रहेगा जरा विचार कर जब तू दुनिया में जगत सेठ कहलाता है और इस पीछे ना जो बाण लाग रहा सी ने भी रोक लेके धन कितना उड़े है सजनो शीख पत्थर ने भी पाड़िया करे ये कहते हैं हरिराम का कहा मान के दान पुन छोड़ दिया जैसे ही दान पुन छोड़ दिया चारों तरफ से बुरी खबर आती फैक्ट्री जल गई उद्योग धंधे सब जल गए सब चोर बढ़ गए डाका पड़ गया जहाज डूब गए चारों तरफ से नुकसान हो गया शठानी की टूम ठेकरी बचरी थी वे बिगड़ने दर दर के काम चला लिया कुछ नहीं बचा एक लड़का जिसकी उम्र 6 साल चंद्रगुप्त जिसका नाम शठानी ने कहा सेठ जी इसको अपने यार मनसा के पास छोड़ के आइए बदले में 200 रुपए लेकर आइए ताकि अपना काम चल सके ऐसे सुनो 200 रुपया में छोरा भी गिरवी धर के मनसा सेठ के पास सेठ ताराचंद वापस घर की तरफ चलिया कहते हैं मनसा सेठ ने 200 रुपया की न्योली दी और रस्ते में खाने का भोजन बांध दिया और भोजन न्योली लेकर जब सेठ ताराचंद चलिया रस्ते में भूख लगी और नंदी नदी थी सोचा स्नान करके भोजन करना जब समय परीक्षा लेता है तो सब तरह लेता है सजनों अरण्यों कहे जब उल्टा आया ना तो के ना भोजन मिला ना वा न्योली मिली उड़ा टकरा कर रोया है के 200 रुपए खान का भोजन दरिया घाट पर लिया के अरण्यवला नंदी तन लूट लिया मैं के सुख पाया घर गया शेठानी ने देखा निवली सेठ जी ये क्या हालत आपके तन पर वस्त्र भी नहीं है निवला शेठानी के बताऊं क्या आपका मित्र नहीं मिला के मिला क्या चंद्रगुप्त को नहीं रखा के रखा क्या 200 रुपए की नौड़ी नहीं मिली के मिली परवाह भी ना रही फूट कर रोपड़ा शेठ तारा चंद निवला शेठानी अब तो ऐसा मन है कि जैसे आत्महत्या कर ली आत्महत्या का उद्देश्य करके दोनों धनी वीर जंगल की तरफ शाम के समय चल पड़ते हैं एक महात्मा बैठा था उसने देखा रे शाम को तो पक्षी भी अपने घोंसले में आते हैं ये दोनों धनी वीर कड़े चाले ने बोला रुको कहां जाओगे सेठ शेठानी हाथ जोड़ के खड़े हो गए निवले महात्मा जी ऐसा मन है कि आत्महत्या कर ले निवला रे कायर लोग करते हैं क्यों करो सो सारी बात बताई निवला रे सुनो थारे दिन फिर जाएंगे उल्टा वो टाइम आ जाएगा निवला ऋषि जी क्यों कर आ जाएगा निवला तुम जीना सीख लो निवला क्यों कर जीवा निवला न्यू जियो ऐसे सुनो एक कथा है तो माध्यम है हर आदमी के लिए शिक्षा है निवला रे न्यू जियो क्यों कर क्या कहा Oh.
बढ़ना गरीब करा था गब हो गए तीन जन्म का तो वीर आए है न्यू वो कैसे तीन जन्म के पाप कटेंगे जो पछले हैं वे दोष माफ हो जाएंगे। अब पसन करेगा गौ ब्राह्मण साधु सेवा करेगा तो कर्म सुधर जाएगा, कर्म सुधर जाएगा तो अगला जन्म सुधर जाएगा। निवला घर में कौन है? निवला ऋषि जी एक पुत्र था वो तो मनसा सेठ के पास मन कहने दर दिया। निवला ईब घर में कौन है? निवला मैं हूं और मेरी सेठानी। निवला दोनों तो नहीं वीर सो निवला दोनों। निवला पहले तुम दोनों बतलाओ सब खातिर सा बात बने तो धनी पीर दोनों आपस में बतलाओ। निवला ऋषि जी के बतलाओ है कि अपने जीवन की मर्यादाएं निश्चित करो कि हमने ये जीवन इन मर्यादाओं के साथ जीना। किन मर्यादाओं के साथ? निवला न्यू जी लो पली गली नरेंद्र शर्मा जी मान सम्मान और करते हैं धन्यवाद। मुकेश जी और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। निवला न्यू जी लो आपस के महा आपस के महा आपस के महा मिलजुल पहले धर्म कर्म मर्याद करो। सागर कैसी साल डाट के ईश्वर से फरियाद करो। कौ ब्राह्मण साधु सेवा में नाकद वाद विवाद करो। और ब्रह्म रूप भगवान की सेवा इच्छित से इमदाद करो। साथ वैसे आज पहली बार गाना हुआ, बहुत प्यार प्रेम बहुत मान सम्मान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं पंडित जी के लिए। देखिए मेरा मैं सौभाग्य मानता हूं कि जो पंडित जी के साथ आज गाने का अवसर मिला, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब गोपीचंद अपने गुरु जी के पास आके हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करी के गुरुदेव प्रणाम प्रणाम, गोपीचंद कैसे आना हुआ गुरुदेव ये बताना कि मेरा जो कब सफल होगा। बेटे गोपीचंद एक तेरी बहन चंद्रावल उसके पास जाओ और मां कह के भिक्षा लेके आओ बेटे जब तेरा जो सफल होगा। श्रोता जब बहन चंद्रावल का जिक्र किया शरीर कांपने लग जाता है, लेकिन ध्यान करा परमेश्वर का कि भाई सबसे बड़ा गुरु जी का देश बताया लेके गुरु जी क्या गया अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे बजा के अलग जगाई। वो जब साधु की आवाज सुनी तो चंद्रावल उस बांदी को बुलाती कि कोई बाबा जी आया है और भिक्षा डालो। लेकिन जब वो बांदी थाल हाथ में लेके उस बाबा जी के पास गई और जब आंख में आंख मिली तो थाल हाथ से छूट जाता है और दौड़ी दौड़ी चंद्रावल के पास आती कि चंद्रावल बाबा नहीं तेरा भाई गोपी चंद आया है। जब गोपीचंद का नाम सुना तो चंद्रावल झट से खड़ी होके गोपीचंद के पास पहुंची। नुबली रे भाई के आप मेरी माई हो भाई मत बोल। नुबली रे तू तो बाबा बन गया गोपीचंद, मेरी तरफ देख तेरे छोटे छोटे भांजे हिंद की तरफ देख, तू तो मांग मांग के तेरा गुजारा कर लेगा। लेकिन वो चंद्रावल उस गोपीचंद को समझाती के भाई का कितना दर्द होता है। कैसे क्या कैसे क्या कैसे
नू बोलिया रे मांग मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से से आपके बच्चे का मान सम्मान करते, इनका बार बार धन्यवाद करते। देख इस भाई का हाथ कट रहे, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ आपके बीच में पहुंचे। न्यू ना सोचियो, आदमी का जीने का अपना अपना ढंग होता है। एक छोरे का रिश्ता कर दिया था, छोरी के साथ रिश्ता जब तय होया, बिचोलन नु बोले भाई रिश्ता तय कर दिया, शादी की डेट टेक दे। एक महीने बाद की शादी की डेट टेक दी, और जब शादी की डेट टेक की ताऊ छोरी की आंगली कटगी। उन्होंने सोचा शादी ऊपर ते है, जे बता दिया तू रिश्ते की टाल देखी जागी जो होगा बताओ ना। बिचोला के जिक्र करा, बिचोला बोला कोई बात को नहीं, आंगली है शरीर का अंग है, कोई दिक्कत हो सकती है ना, होने किसी के साथ हो सकती, बताओ ना। और जब 15 दिन ब्याह करे छोर का उड़ता हाथ कट गया, अगला अगला झापा कट गया, पूरा यू नू रह गया। उसने भी चलो तेरा फोन करा, बोला भाई भाई गल दिक्कत होगी, अरे बोला घबराने की जरूरत नहीं। उसने सारा बेरा उनकी आंगली कटी, इसका पंजा कट गया, न बोला कोई दिक्कत नहीं, बोला बेरा पटेगा, बोला बेरा को नहीं पटने दू, बढ़िया पैंट कोट सिमवा लो, बढ़िया पैंट कोट सिमवा साथी में। अरे बोला बार सुन ले भाई छोरे, यू हाथ तेना गोज मत निकालना, कोट की गोज में रखना है। हाँ बोला ठीक पंडित जी, पंडित जी चोल देख तो भी यो हाथ अड़ा दिए, यू नहीं काटना। हाँ बोला ठीक से। साथी पे पहुंच गए, फेरे होने लगे, उड़ा पहुंच गए। जब फेरे होने लगे तो पंडित जी ने फेरे शुरू करे, और साली सप्ती बोली मान लगी, लूट लिया और के सांगली नहीं से एक। उसने देखा ओहो तेरा तेरा को निकट पड़ू रवि, लूट लिया के सांगली नहीं से एक, उसका मैं जहर घुड़ा ओहो। और उन्होंने बोला बापू खड़ा, उन्होंने बोला ना बेटे बेनी फेरे पूरे हो पाचे नीचे उसका खोआ दबे। फिर साली सप्ती में गीत गांधी गांधी फिर बोली मारे, लूट लिया केस आंगली नहीं से एक। और पंडित जी ने फेरे करे, बच्चो थम लाडो हुई है पराई, उसके भी पूरा जहर भीतर में बोला कल बोलने दे बदला तारूंगा। साली सप्ती फिर बोली मारी, बोली लूट लिया केस आंगली नहीं से एक, एकदम खड़ा है बोला नहीं लुटिया केस साढ़ा टूडकना भी एक। तो कैसे पहले नंबर पे क्या पता, हो जा जब भाई ले बढ़ जा से।
ढंग से छोड़ कलेश हो आनंद से ढंग है पार उतरने का कदन कदते दुख मिट जाएगा टोटे का दंड भरने का ऋषियों ने कहा सेवा है फल जंगल बीच बिचरने का सुनो ध्यान से सतन बताऊं मैं सहज गुजारा करने का सुनो ध्यान से सतन बताऊं सहज गुजारा करने का ओ तोड़ लाकड़ी ओ तोड़ लाकड़ी नठा रहेगा रिश्ता बड़ी मुश्किल से होता था लेकिन तब आज तो जमाना उल्ट फेर में है किसी ने न्यू बेरा पट गया नहीं भाई इस बहन के भाई को नहीं रिश्ता लेने वाले दस्तार है क्यों क्योंकि लालच में क्योंकि इसका धन भी तेरा हुआ लेकिन श्रोताओ अड़प का धन किसी को सस्ता नहीं बताया कि वह जिस बहन के भाई नहीं उसकी कैसे कैसे खराब माटी कैसे कैसे रे माटी समाज में क्या लिखा बिन भैया की पाना की रे बिन भैया की पाना की रे ओठ सकाई को जा कान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई को जा अकड़ पड़ोसने ताने मारे उड़तले लुगाई को Yeah!
दासी सुत उस नारद जी ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने विद्या का वरदान दिया। कौ ब्राह्मण साधु की सेवा चित में धारण खूब किया। चरणामृति दिया ऋषियों ने वो अमृत समझ कर पिया। सबसे ज्यादा दर्द यहां पर बयां करता कवि कैसे क्या लगा चौधरी साहब तीनों पक्के यार और के मकान धंधा बनिया को पढ़े लिखे हाथ को फिर उनके गैंग बना लिया और चोरी करण लगे। और जब कति पक्के पक गए नहीं चोरी वाले काम में नहीं बोले सरदार जी तू पंजाब ने संभाल और मियाँ जी तू यूपी ने संभाल बोले हरियाणा ने मैं देखूंगा। और चार साल बाद से मिले अब बड़ी गैंग हो रही बोतल खोल ली चार चार पैग मारे। फिर वो मिया जी ने बोला रहे भाई वो चोरी का पीछा घना अच्छा ना हो इसमें दान पुण्य करो।
सरदार जी निवला सीधो करते हैं भाई। निवला सरदार जी कितना करे करो निवला सुन ले, जितने रुपये चोर के लियावा घर पड़ते हैं डबल बेड पर खड़े होके सारे रुपये ऊपर उड़ा दिया। बेड पर पड़ जाए मारे तले पड़ जाए वाहे गुरु के नाम के दान के जे। मिया जी निवला वाजी वाह खूब बहुत अच्छा तरीका खूब वाह। निवला मिया जी तम क्यों करो निवला सेम ऐसे ही जैसे आप न्यू का न्यू क्यों करे निवला जितने पीछे चोर के लियावा घर बढ़कर डबल बेड पर खड़े होके उड़ा दिया जितने बेड पर पड़ जाए मारे और तले पड़ जाए अल्लाह ताला के नाम के दान के। वो अपने वाला ना भूल रहे चार चार पैग और लाग लिया निवला चौधरी साहब तम नहीं करते दान। निवला करा हाँ फिर थारा को तरीका है निवला और तम चुकर करो निवला वाह रपिये लेगा तुम घर पड़ जाओ फिर दान करो। निवला तम क्यों कर करो निवला घर पाछा बड़ा पने दान करा निवला कितना करो निवला देख जिस गांव में चोरी करा रपिये काट के गांव तो लकड़ा गांव तो लकड़ते ही दान करते हैं निवला कितना निवला देख जितने रुपये चोर के लिया सारे आसमान में उड़ा दिया राम ने जितने चाव उतने राख लिए तड़े पड़ जाओ मारे। जय हो ईसा दानी भी नहीं चाहिए पंडित जी न्यू करो न्यू करो दान को चतुर सवार से ओए जितना धन कमा के ल्याओ जितना धन कमा के ल्याओ जितना धन कमा के ल्याओ चार जगह पे भाग करो तीन दान के एक अपना अति लोभ का त्याग करो कबालिए अधर्म ने ज्यादा शुभ कर्मों की जाग करो छोड़ पराई आशा तृष्णा हरि भजन की लाज करो छोड़ पराई आशा तृष्णा हरि भजन की लाज करो दादा लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद ज्ञान मदरदी गुरु कोशिश छुपाने से मरोड़ होती तो अपने पीहर में भाई की होती है।